इसको डिस्कस करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। टुडे आवर टॉपिक इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या है, थोड़ा सा इसको रीड करते हैं और उसी को समझते हैं। कंसीडरिंग ए कंडक्टर विद केविटी, एक कंडक्टर लेते हैं जिसमें केविटी है। केविटी का मतलब आप जानते ही होंगे, ये एक कंडक्टर है। इस कंडक्टर के अंदर अपन ने मान लो सॉलिड कंडक्टर है, तो ये सॉलिड कंडक्टर है तो इधर से तो फिल होगा, सही है ना। दिस पोर्शन इज विद फिलिंग, ये तो अपना फिलिंग वाला पोर्शन हो गया, क्लियर। और इसके अंदर ये होल रह गया, तो इस होल को हमने क्या बोल दिया, क्या बोला बच्चों, कैविटी। कैविटी समझ में आ गया, विद नो चार्ज इनसाइड द कैविटी, कैविटी के अंदर कोई भी चार्ज नहीं है। ए रिमार्केबल रिजल्ट इज दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज कैविटी इज जीरो। अगर इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा भाई, जीरो। रिमार्केबल का मतलब समझ रहे हैं, ये एक ऐसा पॉइंट है जिसको आपको अंडरस्टैंड करना है। एक एक पॉइंट इसका मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा आप लोगों को। रिमार्केबल रिजल्ट इज दैट वट एवर द साइज एंड शेप ऑफ द कैविटी एंड वट एवर बी चार्ज ऑन द कंडक्टर एंड द एक्सटर्नल फील्ड इन विच इट माइट बी प्लेस्ड। यार गजब बात, क्या बोले भाई, ये कैसा भी शेप और साइज का हो, ये मान लो सॉलिड कंडक्टर है, ठीक है, इसके अंदर अपन ने केविटी बना दी, ये केविटी है भैया, तो केविटी हो गई, तो केविटी तो अंदर से इसमें अपन, ये सॉलिड केविटी है ना, केविटी डेफिनेटली ऐसी होगी जिसमें कुछ पोर्शन तो फिल होगा है ना, और रिमेनिंग पोर्शन क्या होगा बच्चों, एम्प्टी होगा। क्या कह रहा है सर, कैविटी का मतलब होल होता है। कैविटी का मतलब यार ऐसे समझ ले कि जैसे एक पत्थर है उसमें एक छोटा सा छेद कर दिया। क्या कह रहा है, अरे दांत में होल हो जाता है ना कैविटी, कैविटी की वजह से। अब ये पॉइंट थोड़ा मेरी बात समझिए, वट एवर द साइज एंड शेप ऑफ कैविटी वट एवर बी चार्ज ऑन कंडक्टर, इसके बाहर भैया कुछ भी चार्ज हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही रहेगा। गोल्डन पॉइंट समझ आया क्या, कैविटी के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा कब तक, और चाहे आप इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो, यहां पर मान लो कि कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है उसमें केविटी को रखा तो भी केविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो रहेगी। ये चाहे तो आपका क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉइंट समझ आया, एक्सटर्नल माइट बी प्लेस्ड किस भी। वी हैव प्रूव दैट ए सिंपल केस एंड रिजल्ट स्टडी द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए चार्ज स्फेरिकल सेल इज जीरो। मैं बता चुका था स्फेरिकल सेल के अंदर चार्ज जीरो होता है। द प्रूफ ऑफ द रिजल्ट सेल बी यूजिंग स्फेरिकल बट द वैनिशिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इन चार्ज फ्री कैविटी ऑफ ए कंडक्टर इज मेंशन अबो, ए वेरी रिलेटेड रूल। ये छोड़ो आप, ये देखिएगा, दिख रहा है भाई, ये कैविटी, ये कोई शेप है, इस शेप पर ये अपनी एक शेप है ना, इस शेप में ये वाला पोर्शन तो कैसा है, सॉलिड, और व्हाइट वाला पोर्शन कैसा है, होलो है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर चार्ज देखिए, ये चार्ज है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ये कंडक्टिंग बॉडी है, इसके अंदर क्या जीरो है भाई,
इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो है, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसके अंदर क्या है, कांस्टेंट है। V इजिक्वल टू V नॉट यहाँ होगा और V इजिक्वल टू V नॉट यहाँ होगा, यानी केवीटी के अंदर भी पोटेंशियल उतना ही होगा जितना कि केवीटी के इस वाले बॉर्डर के अंदर। हर जगह पोटेंशियल की वैल्यू, जो ग्रीन बॉर्डर बना रहा हूँ, इस ग्रीन बॉर्डर के अंदर पोटेंशियल हर जगह क्या होगा बच्चों, सेम होगा। ये देखिए सिग्मा, थर्ड पॉइंट यहाँ पर दिखा रखा है सिग्मा, चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव चार्ज है, सिग्मा ग्रेटर देन जीरो, समझ रहे हो। यहाँ पर चार्ज पॉजिटिव है तो सिग्मा ग्रेटर देन जीरो, यहाँ पर चार्ज नेगेटिव है तो सिग्मा, ठीक है। केविटी के अंदर कोई भी चार्ज कभी भी जनरेट नहीं होगा, चाहे आप उसको, चाहे वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो या ना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कंडक्टर के अंदर जीरो होगा। पॉइंट समझ में आ गया। अब ये पॉइंट समझिएगा, वट एवर टू बी द चार्ज एंड फील्ड कॉन्फिगरेशन आउटसाइड, एनी केविटी इन कंडक्टर रिमेन शील्डेड फ्रॉम आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फ्लुएंस। इसका मतलब क्या हुआ, केविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी जनरेट नहीं होगा, चाहे आप कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो, बाहर कुछ भी चार्ज हो, ये एक शील्ड की तरीके से काम करेगा। यानी ये जो केविटी का ये वाला पोर्शन है, इट वर्क लाइक एज ए शील्ड, और ये कभी भी केविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को, द फील्ड इन साइड द केविटी इज ऑलवेज, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। शील्डिंग का मतलब क्या होता है, वट डू यू मीन बाय द शील्ड, शील्ड मीन्स ए प्रोटेक्शन, और केविटी को प्रोटेक्शन कौन दे रहा है, इसका आउटर कंडक्टर शेल। यहां तक कोई दिक्कत, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहां काम आती है यार, कुछ इक्विपमेंट है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में खराब हो सकते हैं, समझ रहे हो, तो उनके चारों ओर क्या कर देते हैं हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। जैसे मेरी घड़ी है, घड़ी के डायल पर चारों तरफ एक क्या लगाया जाता है, हमेशा मेटल लगा हुआ होता है कंडक्टर, जो कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट को प्रोटेक्ट करता है। क्यों, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर चला गया तो फिर जो हमारा घड़ी का जो डायल है या घड़ी जो है वो सही से काम नहीं करेगी। आगे पढ़ते हैं, दिस द इफेक्ट कैन बी मेड यूज टू प्रोटेक्ट द सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फ्लुएंस। ये किसमें काम आता है भाई, कोई भी एक ऐसा डिवाइस जिसको कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग करनी हो, यानी उसको ऐसा रख दो आप, ये मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, मान लो इसके अंदर आपको तो एक केविटी बना दो और उस केविटी के अंदर उस मटीरियल को रख दो, इस मटीरियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमने क्या बना दी इसकी, ये हमने शील्ड प्रिपेयर कर दी, समझ गए। आ रही है समझ कहानी, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग हो गई, उस मटेरियल पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है बच्चा। There is a no effect of electric field on this material, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा, हमेशा ही E और रो दोनों ही जीरो होंगे, पोटेंशियल हमेशा उतना ही होगा जितना कि, यहां पर E भी जीरो और सिग्मा भी जीरो, इसका मतलब चार्ज डेंसिटी भी जीरो होगी। कहानी समझ आ गई,
तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का कॉन्सेप्ट हुआ। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग मतलब कंडक्टर के अंदर आप अगर एक केविटी बनाते हैं और उस कंडक्टर को आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो, चाहे वो चार्ज हो चाहे वो अनचार्ज हो, उस केविटी के अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। अब आपका क्वेश्चन ये कि सर मान लो इसके अंदर ही चार्ज रख दूं मैं, तो आपने गड़बड़ कर दी और आपने क्या कर दिया, केवीटी के यहाँ चार्ज ही रख दिया। तो जब यहाँ चार्ज रखेंगे तो पॉजिटिव चार्ज है तो इतना ही चार्ज ही अंदर की तरफ बना देगा, कितना माइनस, और उतना ही चार्ज इसके सरफेस पर आ जाएगा। समझ रहे हो? तो व्हेन वी पुट ए चार्ज इनसाइड द केविटी तब कुछ अलग काम होगा। कोई डाउट? एक कंडीशन यहां पर बना देता हूं, व्हेन वी प्लेस ए चार्ज इनसाइड केविटी, मैं बना देता हूँ थोड़ा सा बढ़िया सा डायग्राम, तो क्या होगा? ठीक है, ये आपने क्या बना दी भाई, केविटी। ये मान लो यहाँ पर चार्ज रख दिया आपने, तो हम प्लस क्यू रखा है तो अंदर वाले पर कैसा जनरेट हो जाएगा, और ठीक इसके जितना अपोजिट है उतना ही क्या उतना ही चार्ज सरफेस पे जनरेट हो जाएगा, कितना बेटा प्लस क्यू। आपने सेंटर पर क्यू चार्ज रखा तो माइनस क्यू इसके इनर सरफेस पे जनरेट हो गया, फिर आउटर प्लस पे जनरेट हो गया। समझ में आ गया? केविटी के अंदर चार्ज रखेंगे तो ये कंडीशन होगी, केविटी के अंदर पोटेंशियल हर जगह इक्वल होगा। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा कंडीशन है जो आपकी बुक में गिवन नहीं है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है ना। कुछ नोट करवा दूं मैं, अरे कुछ नोट करवाना है क्या इस पर? हेडिंग डालो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। Let consider a solid conductor विद नो चार्ज इन साइड इट्स केविटी। जो जो यार यहाँ पे लिखा हुआ वही नोट कर लो ना, तुम सीधे का सीधा कर लोगे? चलो मैं ही नोट करवा देता, विद नो चार्ज इन साइड द केविटी। Then, point number one,
देन पॉइंट नंबर वन, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी इज जीरो. देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी इज ऑलवेज जीरो. इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी इज जीरो. ठीक है, आइदर इट इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड All charge placed on the outer surface of conductor. All charge placed on the outer surface of conductor. सारा चार्ज कहां पर होगा बेटा? कंडक्टर के ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, वट एवर बी द चार्ज ऑन चार्ज एंड फील्ड आउटसाइड द केविटी वट एवर द चार्ज एंड फील्ड आउटसाइड द केविटी The net electric field inside the cavity remain always zero. The net electric field remain inside the cavity is always zero. And this is known as kya beta? This is known as electrostatic shielding. It is used to protect the instrument from electric field. क्लियर. नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों? द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द कैविटी इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द कैविटी इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सरफेस.
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द केविटी इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सरफेस। समझ में आ रहा है ये वाला पॉइंट? देखो भाई ये यहाँ पे देखना, जितना पोटेंशियल कहाँ पर है, सरफेस पे, उतने का उतना ही पोटेंशियल इनसाइड है। नेक्स्ट, व्हेन वी प्लेस द When we placed a charge inside cavity, then when we placed a charge inside cavity, then equal and opposite kind of charge equal and opposite kind of charge induced inner surface of cavity equal and opposite kind of charge induced inner surface of cavity and equal amount of charge induced outer surface of cavity। कोई डाउट? कोई डाउट? ये वाला डायग्राम बना लो बच्चों, और ये तीनों चारों डायग्राम बना लेना भैया, सबके सब इंपॉर्टेंट है। सारे डायग्राम बना लो जितने भी दिख रहे हैं ना यहाँ पे। ये वाला बना लिया आप लोगों ने? ये वाला बनाओ, फिर ये वाला बना लेना, ये वाला केविटी वाले ही है सारे ये। बच्चों डायग्राम बन गया ये वाला। चलिए ये वाले डायग्राम बना लेना भाई। ये वाला कौन से वाले केस में बनाओगे? ये सारे तीनों चारों डायग्राम बना लो।
चलो तो ये प्रोटेक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का हो गया। ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इस पे आ जाएं, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहोगे इन क्वेश्चंस का? ए कॉम्ब रब विद वन ड्राई हेयर अट्रैक्ट ए स्मॉल पेपर, वाई? तो जब हम कॉम्ब को रब करते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से उससे कुछ चार्ज, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट लग जाता है ना। जब किसी चीज को रब करेंगे तो उससे वो पोलराइज्ड हो जाते हैं और अट्रैक्ट हो जाते हैं। समझ में आ गई? जब बाल, ये केवल चार्जिंग बाय फ्रिक्शन तभी होता है जब बाल सूखे हो। सूखे बालों में आप कॉम्ब को रब करो तो पेपर को अट्रैक्ट कर लेता है। क्यों? क्योंकि उससे कुछ चार्ज निकल कर चला जाता है और उस पर नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। बट जब आपका बाल गीला हुआ पानी से तब आप रब करेंगे तो फ्रिक्शन नहीं होता उतना ज्यादा और उस केस में ये अट्रैक्ट नहीं करेगा। ऑर्डिनरी रबर इज ए इंसुलेटर, ये क्वेश्चन है। बट स्पेशल रबर टायर ऑफ एयरक्राफ्ट मेड बाय कंडक्टर, वाई? रबर इंसुलेटर होता है तो रबर को जब अपन रब करेंगे तो उस पर बहुत सारा चार्ज इकट्ठा हो जाएगा और इंसुलेटर से चार्ज ट्रांसफर हो नहीं सकता तो उसमें आग लग जाएगी। लेकिन जब हम रबर में थोड़ा कंडक्टर मिला देते हैं तो चार्ज एक जगह से दूसरी जगह इजीली ट्रांसफर हो जाता है। तो वो जो व्हील पर चार्ज जो बना फ्रिक्शन की वजह से, भैया एयरक्राफ्ट के व्हील कितना तेज चलता होगा आप सोचिए ना, एयरक्राफ्ट का व्हील कितना तेज चलता होगा, बहुत जबरदस्त स्पीड से चलता है वो, तो उस पर बहुत सारा चार्ज जब डेवलप हो जाता है फ्रिक्शन की वजह से। अब उसमें कंडक्टर ना हो तो सारे के सारे